नमस्कार दोस्तों, वेदांता कंपनी का यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों वेदांता का 226 रुपए यहाँ पर स्टॉक की प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों 1 रुपए 45 पैसे की यहाँ पर स्टॉक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर 0.64% की यहाँ पर स्टॉक की गिरावट देखने को मिली दोस्तों, और 1 रुपए 45 पैसे की गिरावट है। 226 रुपए पर यहाँ पर स्टॉक की प्राइस देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम भी इसने स्टॉक ने हाई मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर फिर ब्रेकडाउन, यहाँ से फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला, ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पर देखने को नहीं मिला, और यहाँ से फिर ब्रेकडाउन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिला। दोस्तों बात करें तो 1 ईयर के हिसाब से 1 सप्ताह के अनुसार वीकली एनालिसिस, तो यहाँ पर 1 रुपए 40 पैसे का यहाँ पर स्टॉक को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 0.62 पैसे का पूरा चार्ट एवरेज के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो और दोस्तों आगे की अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों गैप अप में ओपन होने की संभावना यहाँ पर स्टॉक का बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों वेदांता कंपनी का यहाँ पर स्टॉक बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक की अपसाइड मोमेंटम बनती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों 1 महीने के हिसाब से भी यहाँ पर स्टॉक में गैप अप में ओपन होने की संभावना स्टॉक में यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट अगर ब्रेक करता है 222 का, तो फिर ब्रेकडाउन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकता था। दोस्तों 13 रुपए की यहाँ पर स्टॉक की गिरावट है। 5 रुपए 47 पैसे का यहाँ पर स्टॉक की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों वेदांता के शेयर ने 208 रुपए से बाउंस बैक यहाँ पर स्टॉक में लिया है। दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा हाई स्टॉक यहाँ पर बना सकता है, और ऊपर यहाँ पर स्टॉक जाने की संभावना स्टॉक यहाँ पर बना सकता है। दोस्तों और दोस्तों बात करें 1 साल का, तो यहाँ पर स्टॉक ने लोअर दिया है दोस्तों 209 रुपए पर, और यहाँ पर स्टॉक अपसाइड मोमेंटम बनाने की संभावना स्टॉक में बनती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों यानी कि 52 सप्ताह का लो यहाँ पर स्टॉक का क्रेक देखने को मिला दोस्तों, और 52 सप्ताह का लो यहाँ पर 208 रुपए है। तो यहाँ पर स्टॉक ने 208 रुपए से 226 रुपए की स्टॉक की बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों, और यहाँ पर 61 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। 21% का यहाँ पर स्टॉक 1 ईयर के चार्ट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें दोस्तों 5 ईयर के चार्ट में, तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेकर यहाँ पर स्टॉक का हाई मोमेंटम स्टॉक ने लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर 208 रुपए का स्टॉक ने लो दिया है, जो कि 1 ईयर के चार्ट में आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि 208 रुपए का यहाँ पर स्टॉक ने लो लिया है, जो कि यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है, और 52 सप्ताह का लो को जैसे टच किया, हाई मोमेंटम 32 रुपए का यहाँ पर स्टॉक ने हाई दिया है, और यहाँ पर स्टॉक की गैप अप ओपन होने की संभावना स्टॉक यहाँ से बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसे यहाँ पर 232 का अगर हाई ब्रेक करता होता है, तो और ऊपर जाने की संभावना यहाँ पर स्टॉक बना सकता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बात करें टुडेज लो की, 225 रुपए टुडेज लो और टुडेज हाई 227 रुपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों 52 सप्ताह का लो 208 रुपए और 52 सप्ताह का हाई 340 रुपए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और प्राइस एक्शन यहाँ पर अब सर 52 सप्ताह के हाई की तरह मोमेंटम कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं तो इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी में बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले में। जय हिंद, जय भारत।